चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कानपुर से, जहां संदिग्ध हालत में मां और बेटी की जलकर मौत हो गई है। कानपुर देहात का मामला, मड़ौली गांव में कब्जा हटाने गई थी राजस्व की टीम। कब्जा हटाने के दौरान ग्रामीणों ने विरोध भी किया था और अब जानकारी मिल रही है कि दो लोगों की मौत हो चुकी और उसके बाद राजस्व की टीम वहां से भाग गई। आग की चपेट में आने से एक युवक भी बुरी तरह से झुलस गया है। कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव का मामला, संदिग्ध हालत में मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। राजस्व कर्मचारी कब्जा हटाने पहुंचे थे और दो लोगों की जान चले गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छत विछत शरीर की तस्वीरें। कब्जा हटाने के दौरान ग्रामीणों ने इसका पहले भी विरोध किया था और अब दो लोगों के शव मिले हुए हैं, वो भी जले हुए। थाना रूरा गांव मड़ौली में एक अतिक्रमण हटाने हेतु डीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहां पर पहुंचे थे और जब वो पहुंचे हटा रहे थे तो जो प्रथम दृश्य हमें जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है और बाकी हम मौके पर पहुँच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर है। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत भी चल रहा है। इसमें जिनका भी गलत रवैया हो और कुछ भी गलती हो उनको हम अपेक्षेंगे नहीं और उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे।